नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर अलावादी और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी माइंड में। आज हम हैं सेक्टर 22 रोहिणी और आज हम आपको दिखाएंगे बिल्डर फ्लोर जो कि 90 स्क्वायर मीटर्स का है, यानी कि 108 गज का और टू साइड ओपन है और उसके अलावा पार्क फेसिंग है। दोस्तों हाँ जी, आपने सही सुना, पार्क फेसिंग है विद लिफ्ट एंड पार्किंग। तो अपनी साइट विजिट शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट टाइम टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलते हैं और हमारे चैनल को आप फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी साइट विजिट। अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे ये सारा का सारा जो है ग्रेनाइट लगा हुआ है लिफ्ट के साइड में और बहुत ही अच्छी लिफ्ट है। और ये आप देख सकते हैं, ये मेन डोर है दोस्तों जिसपे सारा का सारा पॉलिश का काम हुआ है और ये पैनलिंग भी हुई है। अब ये आ जाते हैं हम अपने 90 मीटर्स के फ्लोर पे। आप देख सकते हैं ये हम एंटर कर गए हैं, लिविंग रूम है पूरा। स्टार्ट करते हैं अपनी सीलिंग से दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसकी सीलिंग जो है बहुत ही अच्छी और मतलब लंबाई की है, मतलब लेंथ में दी गई है। अगली कई बार हमने देखा है बिल्डर जो है वो स्क्वायर और ये सारी शेप्स लेते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने एलोंगेटेड ली है तो ये अच्छी चीज है। राइट हैंड साइड पे है मेरा एक एलसीडी पैनल और अच्छा और हैवी एलसीडी पैनल है जैसे कि लिविंग रूम्स में होना चाहिए दोस्तों। और अगर आप मेरा राइट हैंड साइड पे देखते हैं ये हमारी आ जाती है किचन। तो आप किचन का साइज देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी किचन है विद स्टोरेज फैसिलिटी और पूरी की पूरी मॉड्यूलर है ये। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड, ये सारी की सारी स्टेनलेस स्टील की मैश है दोस्तों और जितने भी है ये आप देख सकते हैं स्टोरेज फैसिलिटीज सारी की सारी। अभी यहाँ पे हमारी कोई भी फिटिंग्स नहीं लगी हैं, चाहे बाथरूम हो चाहे किचन हो, बिकॉज ये सारी की सारी फिटिंग्स जो होती हैं हम बाद में लगाते हैं सो दैट लोगों के कुछ टेस्ट के हिसाब से भी हम उनको दे सके। तो अब हम एंटर दिखा रहे हैं आपको, ये है हमारा कॉमन वॉशरूम जो कि लिविंग रूम में खुलता है। तो आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है सिल्वर ग्रे एंड व्हाइट का। और अब हम आ रहे हैं अपने मास्टर बेडरूम में फ्रेंड्स। तो इस मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो तकरीबन 12x12 का है विद बोथ द अलमीराज ऑन बोथ द साइड एंड बीच में आपका यहाँ पे बेड आ जाता है जो कि जगह जो है हमारी वो 7 feet की है इन दोनों के बीच में, जिसमें आपका बेड बहुत इजीली आता है बिकॉज हमारा किंग साइज बेड जो है वो अराउंड 6.5 feet का होता है फ्रेंड्स। राइट हैंड साइड पे ये सेम वॉशरूम है जो हमने कॉमन वॉशरूम देखा था, ये अटैच भी है इस रूम से। तो आप कह सकते हैं ये जो है हमारा एक मास्टर बेडरूम है। इसके साथ हमारी फ्रेंड बालकनी भी अटैच है और जैसे ही हम बालकनी में जाते हैं आप देखते हैं सामने जो है सारा का सारा पार्क है। मैं ये पार्क आपको नीचे से दिखाऊंगा अभी, आपको वॉशिंग एरिया भी मिल सकता है दोस्तों। आप इसकी देख सकते हैं फॉल सीलिंग, सिंपल फॉल सीलिंग है एकदम स्क्वायर शेप की। और राइट हैंड साइड पे आ जाता है हमारा एलसीडी पैनल। तो आप देखेंगे कि पूरे घर में जो है वो लाइट ब्राउन का और वॉलनट ब्राउन का जो है कॉम्बिनेशन दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा फिट होता है विद व्हाइट कलर। अब हम देखते हैं अपना सेकंड बेडरूम दोस्तों, जिसका साइज जो है अराउंड 10x10 का है और इसमें भी हमारी इनबिल्ट अलमीराज है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एलसीडी पैनल है। तो अगर आप देखते हैं सबसे पहले पीओपी फॉल सीलिंग, ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है और सोफिस्टिकेटेड है सो दैट कमरा ज्यादा हैवी ना लगे दोस्तों। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखते हैं ये हमारी स्लाइडिंग अलमीरा है, इसमें भी वही सेम कॉम्बिनेशन है हमारा लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन। एंड अगर आप देखेंगे एलसीडी पैनल, ये वॉल असेंबल्ड एक तरीके से है दोस्तों, देखेंगे अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इस पूरा का पूरा वॉल पे ही बना हुआ है तो इस वजह से इसकी ज्यादा हैवी होने की फीलिंग भी नहीं नजर आ रही बिकॉज इसमें जो हमारा कमरा है वो 10x10 का है इसलिए इसको थोड़ा लाइट देना है। अब राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे ये अटैच वॉशरूम आ जाता है फ्रेंड्स मेरा, जिसमें वही वाइट ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन है पूरा और साथ ही में हमारा आ जाता है वॉशिंग एरिया। तो अगर आप देखते हैं यहाँ से आपको पता चलेगा ये पीछे हमारी जो है सर्विस लाइन है जो कि ओपन है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये प्लॉट जो हमारा टू साइड ओपन है दोस्तों। तो अगर आप चाहें इसको भी वॉशिंग एरिया आप अपना बना सकते हैं तो पूरा का पूरा वॉशिंग एरिया भी इजीली बन सकता है। और यहीं से एंट्री आ जाती है हमारी थर्ड बेडरूम की दोस्तों। तो आप देखेंगे बिल्कुल सामने की तरफ हमारा आ जाता है अलमीरा, जिसमें भी लाइट ब्राउन एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है एलसीडी पैनल। तो अगर आप इस एलसीडी पैनल को भी देखेंगे ये भी सारा का सारा जो है वॉल पे अटैच है और लाइट डिजाइन है।
अब हम आ जाते हैं और देखते हैं अपना थर्ड वॉशरूम जो कि अटैच है इस बेडरूम से। तो आप देखेंगे इसमें भी वही कॉम्बिनेशन है दोस्तों, और तीनों ही वॉशरूम जो है बहुत अच्छे हैं। इसका जो साइज होगा वो है अराउंड 5.5x7 का, और जो दूसरा बेडरूम हमारा अटैच था जो हमने इससे पहले देखा था उसका भी सेम साइज है दोस्तों। और सबसे अच्छी चीज जो है, हमने हर बेडरूम में आपको एक ड्रेसिंग एरिया दिया है सो दैट इस एरिया को भी अच्छे से यूटिलाइज करा जा सके। इसके नीचे ही आपकी छोटे से स्टोरेज फैसिलिटी है जिसमें आप अपना कुछ ना कुछ सामान रख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है दोस्तों 108 गज बनता है। तो ये थी हमारी साइड विजिट दोस्तों, जो कि 90 मीटर फ्लोर की है, जो कि बैठता है हमारा 108 गज और लाइक करता है हमारा सेक्टर 22 रोहिणी में। ये प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट लोकेशन की है फ्रेंड्स, बिकॉज ये पार्क फेसिंग है एंड विद लिफ्ट एंड पार्किंग है, और सिर्फ उसे 6 मिनट की दूरी पे है गोल रिठाला मेट्रो स्टेशन से। तो आप समझ सकते हैं इसकी कितनी अच्छी लोकेशन है दोस्तों। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगा तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, बिकॉज ये प्रॉपर्टी जो है हमें मिलती है सिर्फ 95 लाख रुपीज में। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, 95 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी है हमारी, और इस बिल्डिंग में हमारे 2 फ्लोर ही अवेलेबल है, एक फर्स्ट फ्लोर और एक थर्ड फ्लोर। सेकंड एंड फोर्थ फ्लोर हमारा ऑलरेडी सेल हो चुका है फ्रेंड। तो आप समझ सकते हैं कितनी शानदार प्रॉपर्टी है, और अगर आप इसकी साइट विजिट करना चाहते हैं तो जल्दी से अपना फोन उठाएं और मुझे कॉल करें और कहें कि हमें साइट विजिट के लिए हम इंटरेस्टेड हैं। हम आपको बिल्कुल वो करवाएंगे फ्रेंड्स साइट विजिट इसकी, एंड अगर आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली हम आगे डील भी करेंगे। ये थी आज की हमारी साइट विजिट। अगर आपको ये मेरा फ्लोर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल प्रॉपर्टी माइंड, और फेसबुक पर भी हमें जरूर लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।